हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पंजाब के सेल्समैन की। आज दुनिया में हर एक चीज सेल्स से रिलेटेड होती है, हर कोई कुछ न कुछ जरूर सेल करता है, हर कोई सेल्स इम्प्रूवमेंट चाहता है। एक एडवोकेट अपनी सर्विस क्लाइंट को सेल करता है, तो एक दुकानदार अपनी शॉप की चीज़ों को, एक एक्टर अपनी एक्टिंग को सेल करता है, तो एक सेल्समैन अपनी चीज़ों को, हर कोई कुछ न कुछ जरूर सेल करता है। पर सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स करने वाला, जिसकी सेल्स टेक्निक की वजह से या तो ज्यादा सेल्स होती है या कम। हर व्यक्ति को अपने आप को एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहिए, जैसे पंजाब का सतपाल सिंह था। पंजाब के एक छोटे शहर में सतपाल सिंह रहता था। वहाँ एक शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। छोटा शोरूम और छोटी सिटी होने के कारण सैलरी भी कम थी, जबकि वह वहाँ का सबसे अच्छा सेल्समैन था। एक दिन वह सोचता है क्यों ना अमेरिका में उसके रिलेटिव के यहाँ जाकर रहे और वहाँ काम किया जाए, ताकि ज़्यादा इनकम हो सके। वह अमेरिका में अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया और एक बड़े शोरूम में सेल्समैन की जॉब के लिए जाता है। शोरूम बहुत ही बड़ा था, वहाँ सुई से लेकर कार, जहाज, सभी सामान था। सतपाल सिंह शोरूम के सेल्स मैनेजर से मिलता है और सेल्समैन की जॉब मांगता है। मैनेजर बोलता है, वैसे हमें सेल्समैन की कोई खास जरूरत नहीं है, पर तुम आए हो तो सोचते हैं, तुम्हारे पास कोई सेल्समैन की डिग्री है क्या? सतपाल पूरे विश्वास के साथ बोला, नहीं सर, मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं, पर मैं अच्छा सेल्स कर लेता हूँ, मैं पंजाब का सबसे बेस्ट सेल्समैन हूँ। सेल्स मैनेजर कुछ देर बात करने के बाद उसे 2 दिन के ट्रेल पर बुला लेता है, पहले दिन शोरूम दिखाने और समझाने के लिए और दूसरे दिन सेल करने के लिए। और शर्त यह होती है कि अगर सतपाल उस शोरूम के पुराने सेल्समैन जितनी सेल करेगा तो उसे जॉब मिल जाएगी। पहले दिन शोरूम देखने के बाद दूसरे दिन उसे सेल्स के लिए काउंटर मिलता है। पूरे दिन की सेल के बाद शाम को मैनेजर सभी सेल्स वालों को बुलाता है और एक एक करके पूछता है कि किसने कितने लोगों को अटेंड किया और कितने की सेल्स की। कोई कहता है मैंने 30 लोगों को अटेंड किया और $10,000 की सेल की, और कोई कहता है 20 को, तो कोई 25 लोगों को अटेंड करता है। अब सतपाल की बारी आती है और सतपाल कहता है मैंने पूरे दिन में 1 कस्टमर को अटेंड किया। सभी हंसने लगे। मैनेजर पूछता है बस एक? अच्छा, कितने की सेल की? सतपाल ने कहा सर मैंने $1,00,000 की सेल की है। सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। मैनेजर आश्चर्य से देखते हुए पूछता है वह आदमी ऐसा क्या खरीदने आया था कि तुमने $1,00,000 की सेल कर दी? सतपाल ने जवाब दिया वह आदमी मछली पकड़ने का एक कांटा लेने आया था। मैनेजर ने कहा वह कांटा तो मुश्किल से $1 का होगा, फिर तुमने $1,00,000 की सेल कैसे की? सतपाल ने हंसते हुए कहा वह आदमी मछली पकड़ने का एक कांटा लेने आया था, कांटा सेल करते हुए बातों बातों में मुझे पता चला कि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और छुट्टी मनाने के लिए एक नदी पर जा रहा है। मैंने कहा लाइए सर मछली पकड़ने की मशीन में कांटा लगा दूं। कांटा लगाते हुए मैंने पूछा सर आप छोटी मछली पकड़ना चाहते हैं या बड़ी? उन्होंने कहा बड़ी। मैंने कहा सर आपकी मशीन और धागा पुराना हो गया, यह बड़ी मछली के वजन से टूट जाएगा, आप नई मशीन ले लीजिए। यह कहकर मैंने उसे नई मशीन सेल कर दी। फिर मैंने कहा सर बड़ी मछलियाँ किनारे पर नहीं होती, आपको नदी के बीच में जाना होगा, क्या आपके पास बोट है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सर आप बोट भी ले लीजिए, नदी में बोट पर फिशिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। और वह मान गए और मैंने बोट को सेल कर दी। फिर मैंने कहा अच्छा सर आपके पास बोट को नदी तक ले जाने के लिए जिप्सी है ना? उसने कहा नहीं, मेरे पास कार है। मैंने कहा सर नदी के किनारे दलदली जमीन होती है, कार इस बोट को नदी तक नहीं ले जा पाएगी, आप जीप ले लीजिए। उसे बात सही लगी, वह मान गया। जीप बेचने के बाद मैंने पूछा सर आप वहाँ 1 दिन के लिए जा रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं 1 हफ्ते भर के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा सर वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे और जंगली जीव भी होंगे। यह कहकर मैंने उसे बंदूक, मच्छरदानी और खाने पीने की चीजें और कपड़े भी बेच दिए। सभी सेल्समैन और मैनेजर उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए कि एक आदमी सिर्फ $1 की मछली पकड़ने का कांटा लेने आया था, उसको इसने $1,00,000 का सामान बेच दिया। इसके बाद सतपाल की सेल्समैन की जॉब पक्की हो गई और उसे सीनियर सेल्समैन की जितनी सैलरी भी मिलने लगी, और इस सेल्स टेक्निक का यूज करके उसके शोरूम का बिजनेस और सेल्स इम्प्रूव होने लगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जहाँ टैलेंट है वहाँ हर चीज पॉसिबल है, इसलिए लाइफ में हर वक्त इंसान को सीखते रहने चाहिए। तो ये थी कहानी एक छोटे शहर के सतपाल सिंह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाए, ताकि आपको मिलती रहे इस तरह की मोटिवेशनल कहानी की लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच दोस्तों।